लेकिन ये जायदाद मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए। वकील साहब, ये जायदाद मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए। आप खामखा फिक्र कर रहे हैं मिस्टर सुंदर। अजय अपनी जायदाद कश्मीर जाते वक्त आपके हवाले करके गया था ना? जी हाँ। गुड। और वहाँ लड़ाई में उसकी मौत हो गई। This was also good. लेकिन अब आपके पास उसकी मौत का कोई सबूत नहीं। That is not good. I agree, miss. अब कानूनी पोजीशन यह है कि आप चुपचाप 7 बरस तक इस जायदाद से चिपके रहिए। उसके बाद ये खुद ब खुद आपकी हो जाएगी। जैसे मैं इनकी हो जाऊंगी। हेलो मिस्टर सुंदर मेहरा है? जी हाँ, मैं सुंदर मेहरा बोल रहा हूँ। लेफ्टिनेंट अजय एक्सीडेंट की वजह से आज सुबह बेहोश हो गए थे, लेकिन अब होश में है। अजय बेहोश था, अभी होश में है? ये कैसे हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। अजय तो मर चुका है इंस्पेक्टर। लेकिन जो आदमी जख्मी है वो कहता है कि उसका नाम लेफ्टिनेंट अजय है। आर यू श्योर? यस ऑफ कोर्स। मैं भी आता हूँ। आप तो कहते हैं कि मिस्टर अजय मर चुके। अगर मिस्टर अजय नहीं मरे तो समझ लीजिए ये मर गए। डॉक्टर तिवारी, लेफ्टिनेंट अजय का केस बड़ा अजीब और दिलचस्प है। आज से 6 महीने पहले 14 नवंबर 1947 को लेफ्टिनेंट अजय कश्मीर फ्रंट पर किसी लड़की को बचाते हुए जख्मी हो गए, जबकि इनके करीब एक बम गिरा था। बम के धमाके से इनके दिमाग को जो सदमा पहुंचा उससे ये अपनी पिछली सारी जिंदगी भूल गए, अपना नाम तक भूल गए। उसके बाद ये भटकते 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 बंबई पहुंचे। बंबई पहुंचकर दूसरा एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट से इन्हें ये तो याद आ गया कि ये कौन है, लेकिन ये याद नहीं आ रहा है कि ये पिछले 6 महीने इन्होंने कहां गुजारे, किस तरह गुजारे, किसके साथ गुजारे। इन 6 महीनों को ये बिल्कुल भूल गए। बैंक के डाकू को भी भूल गए। एमिनेसिया का ये बड़ा अजीब केस है, और हो सकता है कि तीसरे किसी शौक से इन्हें ये भूले हुए 6 महीने भी याद आए। भैया, लेफ्टिनेंट अजय का इलाज घर पर ही होना चाहिए, बहुत परेशान है। मिलिट्री हॉस्पिटल के बजाय घर के एटमॉस्फेयर में जल्द रिकवर कर सकेंगे। देखिए, मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं उनके लिए 2-3 महीने की छुट्टी का इंतजाम करवा सकता हूँ, उसके बाद वो अपने रेजिमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्सो डॉक्टर, आई फुल्ली एग्री विद यू, लेकिन जैसा आप भी जानते हैं, रोज़ का एक इंजेक्शन इलाज और 2 इंजेक्शन जान का खतरा। नर्स, सुना तुमने? सिर्फ 1 इंजेक्शन, ज्यादा देना खतरनाक होगा। कल से तुम कितने इंजेक्शंस दोगी? सिर्फ 2। गुड। नर्स, इंजेक्शन देने के बाद मुझे कुछ नशा सा आ जाता है, कुछ नींद सी आने लगती है। बात यह है कि तुम अभी कमजोर हो और इंजेक्शंस बहुत ताकतवर हैं, इसीलिए ऐसा होता है।